इसी जगह पे कुछ सीन लिया जाता है जहाँ पे आप लोग देखोगे बल्ली बल्ली लगा दी जाती है, मतलब बल्ली लग। ये देखिए अभी भी चूने की जो धारियाँ बनी हैं आप लोगों को दिख रही है ना, ये चूने की धारियाँ कोई और नहीं है, ये फिल्म के अंदर बनाई गई थी। देखिए ये पाकिस्तान वाला किधर रहा गेट, वैसे ही रहे। हाँ पाकिस्तान वाला इधर गेट रहा, इंडिया के पीछे रहा इधर। हाँ कितना दूर, इतनी दूरी में बनाया था ना, हाँ नहीं काफी दूरी में रहे, आना जाना तो सब बंद होगा, सब बंद रहा चौगिरदन। तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉस पे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है मैं भी मौजूद हूँ, करीब लखनऊ से 25-30 किलोमीटर दूर मैं हूँ मलिहाबाद के आगे। इस जगह का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन आप सभी को बता दें यहाँ पर एक फिल्म आई है अभी 11 अगस्त को, गदर 2। भाई ब्लॉकबस्टर फिल्म हो चुकी है एक हफ्ते के अंदर ही। यहाँ पर जो है जब सनी देओल का लड़का जीते, सनी देओल को ढूंढने के लिए पाकिस्तान जाता है, तो वो बॉर्डर जो क्रॉस करता है इंडिया पाकिस्तान वाला, ये बॉर्डर जो है इधर ही पीछे इसी रास्ते पे यहाँ पे बनाया गया था जहाँ पे हम लोगों की बाइक खड़ी हुई है, यहीं पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया था। ये नॉर्मल रोड है, सिंगल रोड है, गाँव की साइड जाता है, गाँव का नाम मेरे को अभी पता नहीं है, पर यहाँ पे एक अंकल जी मौजूद है, वो पूरी सीन अपने मुँह से बता रहे हैं भाई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे शूटिंग होते हुए देखी है। ये बगल वाला खेत उन्हीं का है, जब यहाँ पे शूटिंग चल रही थी तो ये जो लिप्टिस के पेड़ थे ये काफ़ी बड़े बड़े थे। पिछले साल अप्रैल में शूट चल रहा था यहाँ पे, और इस साल पिछले साल ही इन्होंने कटवा दिया शूट होने के बाद, जब बड़े बड़े लिप्टिस हो गई थी। दोनों तरफ पेड़ पौधे थे यहाँ पे। हाँ चूने से ज़मीन पे स्टॉप लिखा गया था, लाइनें बनाई गई थी जो बॉर्डर पर जिस तरीके से बनाया जाता है, वो सारा कुछ यहाँ पे चूना वगैरह अभी भी थोड़ा बहुत मौजूद है। आप लोगों को दिखाते हैं और सीन दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर के लिए गए थे, यानी कि ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाया गया था गदर 2 फिल्म में, जहाँ पर इसी बॉर्डर को क्रॉस करके जीते जो है पाकिस्तान पहुँचता है अपने पिता सनी देओल को ढूंढते हुए। तो चलिए बैक कैमरे को ऑन करते हैं और सीन दिखाते हैं आपको। कर अंकल जी क्या नाम है आपका? राईलाल। राईलाल। अच्छा शूटिंग कब यहाँ पे हो रही थी? गेहूँ के समय में, पिछले साल यानी कि अप्रैल में हो रही थी। नहीं ये तो पिछले साल हुई थी ना। हाँ, मैं पिछले साल अप्रैल में ही हुई थी, 2022 में। यहाँ कितने दिन लगभग शूटिंग चली थी? अरे एक दिन चली रहे, एक दिन में सब इंतजाम बना के। नहीं ये जड़े सब बनाओ जो मोहरा गेट रहा, दो ही दिन लग रहा है। एक गेट इंडिया के, एक गेट पाकिस्तान। हाँ। पाकिस्तान वाला किधर रहा गेट? वैसे ही रहे, पाकिस्तान वाला इधर गेट रहा है। हाँ। इंडिया के पीछे रहा इधर। कितना दूर, इतनी दूरी में बनाया था ना। हाँ नहीं काफी दूरी में रहे, आना जाना तो सब बंद होगा, सब बंद रहा चौगिरदन। आपका गाँव कौन सा गाँव है सामने? आगे मोहम्मद खेड़ा। आए थे आप देखने? हाँ हम आ रहे, पेड़ लगे रहे, पेड़ लगे रहे, खेत हमारा है। अच्छा उसको पहचान गए थे उसका सोमा को, जो वो पाकिस्तान जा रहा था? हाँ हाँ टोपी पे लगा गाड़ी रखा रहे, टोपी लगाए रहे। हाँ टोपी लगाए रहे, बैग टांग के निकला। हाँ, है। हाँ, एक बस वाला सीन लिया गया था? हाँ बस वाला लीन कर रहा है, एक जीप वाला लीन कर रहा है, वो सब यहीं से निकलते हैं, सब यहीं से निकले रहे। एक ही दिन में सब कर लिया था? हाँ एक ही दिन में। तो उसके बाद उखाड़ उखाड़ के ले गए बना। हाँ खाली ना, फिल्म पता चल गई थी कौन से शूट हो रही है? गदर नहीं शूट तो पता चलते थे उस टाइम पे, बता दिए थे उस समय यू बता रहे हैं कि जो है ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान वाली सीन शूट हो रही है। हाँ हाँ झंडे वंडे लगे रहे हैं, झंडा लेकिन ये लगा, नहीं बता रहे कौन पिक्चर शूट हो रही थी। नहीं नहीं बता रहा, बाद में पता चला गदर 2 फिल्म बाद हाँ मालूम आ रहा है, तुरंत नहीं बताओ क्या नहीं शूट हो रहा तुरंत है। नहीं बता रहा है। अब यहाँ का कोई काम वाम तो नहीं किया था फिल्म में? नहीं की ना, लोकल लोग नहीं लोकल वाले की ना, कुछ लोग खड़े वड़े हुए हुए? हाँ हाँ पुलिस वुलिस वाले बने खड़े रहे यहाँ हाँ पे, पुलिस वाले बने रहे। सब यहीं के लोग थे? हाँ हाँ तो अभी तो ये पेड़ वेड़ कट गए ना? हाँ पेड़ कट गए ही, ये सब साफ वाफ उस टाइम पे कर हाँ दिया गया उसी था? टाइम साफ रहा है। अच्छा मिलने नहीं दिया आप लोगों को नहीं किसी से? मेरे नहीं आओ इधर रहे, उसके पास में नहीं जा सकते नहीं थे, दूर रहो। यहीं दूर खड़े होकर देख। कहाँ हाँ खड़े थे आप लोग जब देख रहे? अपने खेत में खड़े रहा। इधर खड़े रहो, हाँ इधर शूटिंग चल रही रहा, आप खड़े रहो। हाँ सब बहुत लोग रहे, कितने लोग हैं? 400-500 लोग मतलब हैं? हाँ ऐसे रहते 400-500 लोग देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ शूट हो रहा पर देख नहीं रहे हैं, सब दूरे देख रहे हैं कि शूट दे हो रहा रहे कुछ। हैं, देख रहे हैं। आधे लोग तो उसको हीरो को जानते भी नहीं होंगे। कोई नहीं बहुत, हम पंजे खुद नहीं जान पाए। और नया इसी जगह पे कुछ सीन लिया जाता है जहाँ पे आप लोग देखोगे बल्ली बल्ली लगा दी जाती है, मतलब बल्ली लकड़ी को बोलते हैं, लकड़ी के फाटक जैसे बना दिए जाते हैं, आर्मी खड़ी कर दी जाती है इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी बनाकर यहाँ पर, और इधर साइड सब साफ कर दिया जाता है, ड्रम वगैरह रख दी जाती है। इधर भी काफी पेड़ खड़े थे जो कि इधर काफी कट चुके हैं, और ये 2 अभी भी मौजूद हैं, और उस समय सारे पेड़ को जो है रंग दिया गया था। तो इसी तरीके से सीन आता है, धीरे धीरे जमीन से इस तरीके से सीन चलता है, और इस तरीके से ऊपर की तरफ उठते हुए सीन कुछ ऐसे चलता है और ऐसे आ जाता है। बाकी आप हम स्क्रीन शॉट पूरा का आपको लगा के दिखा देंगे किस तरीके से यहाँ पे सीन को फिल्माया गया है। एक ही सीन यहाँ पे लिया गया है जब पैर रखता है जीते पाकिस्तान में इंटर होने के लिए, तो यही पाकिस्तान बनाया गया था। नॉर्मल सी रोड है, आप सभी लोग देख सकते हो, इस रोड पर इधर से हम लोग आए हुए हैं, और इस
और गांव का मेरे को तो नाम अभी पता नहीं है, पर यहाँ पे अंकल जी से भी बातचीत करने पे हमें पता चला है कि ये वही गांव है, वही जगह है। और स्टॉप जो लिखा गया था वो स्टॉप यहाँ पे लिखा गया था, आप लोग देखोगे। ये देखिए अभी भी चूने की जो धारियाँ बनी हैं आप लोगों को दिख रही है ना, ये चूने की धारियाँ कोई और नहीं है, ये फिल्म के अंदर बनाई गई थी। देखिए ये स्टॉप यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यस आपको दिख रहा है ना, ये यस स्टॉप यही लिखा हुआ था पूरा। देखिए शायद आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, ये यस बना हुआ है, टी ओ और ए पी स्टॉप, अभी भी वो इस तरीके से लिखा हुआ है। जहाँ पे जीते कदम रखता है तो सीन कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से नीचे से कुछ सीन लिया जाता है। अभी तो भैंस वैंस लेके जा रही है दादी, तो यहीं से कुछ ऐसा सीन लिया जाता है। जब पैर रख के जीते पाकिस्तान में एंट्री करता है तो ये स्टॉप का ये चूना जो है, सोचो एक साल हो गया है और चूना ही अभी भी मौजूद है यहाँ सड़कों पर। ये देखिए धारियाँ अभी भी बनी हुई हैं उसी तरीके से प्रॉपर, जहाँ पे वो पाकिस्तान वाला सीन बनाया गया था। और इसको ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल था, वो तो बड़ी मुश्किल से इसको ढूंढा गया है। ये सब देखिए क्रॉस वाली लाइनें बना दी गई थी और फिर यहाँ पर स्टॉप लिखा गया था। ये देखिए ये पी बना हुआ, देखो ये पी बना है, ओ बना है, टी बना है, ये इधर से यस बना हुआ है, स्टॉप इधर लिखा हुआ है। इधर था पाकिस्तान का गेट है ना, इधर था इंडिया का गेट। आगे चलेंगे यहाँ पे सब देखो चूना है, बीचों बीच में चूने की पट्टी जैसी बनी है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ रंगाई पुताई हो गई थी सड़क की भी, और जो यहाँ पे ड्रम वगैरह रखी थी वो भी सारी की सारी पेंट वेंट कर दी गई थी। और ये जो पेड़ है ना ये कट चुके हैं, अगर ये खड़े होते तो प्रॉपर आप लोगों को मैच हो जाता सीन, क्योंकि इनके कटने की वजह से सीन आधा अधूरा लगता है। लेकिन ये दो पेड़ अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे, हम दिखाएंगे आप लोगों को, जिन पे चूना अभी भी लगा हुआ है उसी टाइम का। तो यहाँ पे साक्षी के तौर पर अभी थोड़ा बहुत सड़क पर चूना बचा हुआ है, यहाँ के लोग हैं और ये पेड़ तो अभी छोटे हैं फिलहाल, और जो बड़े वाले ओरिजिनल पेड़ उस टाइम पे थे वो तो कट गए हैं। और यहाँ पे ये दो पेड़ बचे हैं पुराने उसी टाइम के, जो कि फिल्म के अंदर दिखाई पड़ते हैं। जब सीन नीचे से ऊपर की तरफ उठता है ना, कैमरा एंगल करता है, तो ये दोनों पेड़ दिखाई पड़ते हैं, और कैमरा वहाँ से कुछ एंगल करता है तब ये दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर गेट बनाया जाता है, सेट का हिस्सा होता है, फिर वो अपना शूटिंग के बाद ले जाते हैं भाई। तो चूना उसी टाइम का अभी भी लगा हुआ है, पूरा चूने से पेंट किया था ना पेड़ को और सड़क को, और जो यहाँ पे ड्रम रखी गई थी उसको है ना। इधर भी देखिए उसी तरीके से स्टॉप लिखा होगा, और ये देखिए पटरियाँ बनी हैं अभी भी चूने की। तो दोनों तरफ एक तरफ इंडिया का एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाया गया था, जिस तरीके से यहाँ पर सीन फिल्माए गए थे और इस तरीके को पाकिस्तान बनाया गया था। तो देख लो नॉर्मल सी लोकेशन है, और किस जगह को क्या बना दिया जाए फिल्म वालों के ही हाथ में होता है भाई, और फिल्म वाले ही ये कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी तेज़ है गर्मी, और यहाँ का जो सीन है वो कुछ खास मैच नहीं कर पाया, सिर्फ यहाँ पर बताने वाले व्यक्ति हैं ये चूना जो स्टॉप वगैरह लिखा हुआ यहाँ पे, जिस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट में देखोगे कि दिखाते हैं है ना। और पीछे जो पेड़ है वो भी अभी खड़े हुए हैं दो उसी में से पेड़ में, और चूना वगैरह उस पर भी अभी भी लगा हुआ, तो सबूत के तौर पर वो भी है। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया गया था गदर 2 फिल्म में। मैंने बोला था आप लोगों से कि जितने भी लखनऊ में या लखनऊ के आसपास की शूटिंग लोकेशंस है गदर 2 मूवी की, वो सारी की सारी मैं अपने वीडियोस में दिखाता रहूंगा, और आप लोगों के लिए गदर 2 के शूटिंग लोकेशन के वीडियो अच्छे अच्छे लाता रहूंगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा हमारे, इस चैनल को छोड़िएगा मत, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल पर आती रहती हैं। और ऑल इंडिया ट्रेवल करते हैं तो वो तो वीडियो आप लोगों के लिए आती ही हैं। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है भाई, तो आप लोग क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि उनको भी पता चले कि गदर 2 फिल्म कहाँ पर शूट हुई थी है ना। देख सबने ली होगी, आई होप सबने देख ली होगी कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके या फिर जाके थिएटर में। अब ये शूटिंग लोकेशन के वीडियो देखने हैं आप लोगों को कि कहाँ पे शूट करी गई है, ये हमारे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो यहाँ पर यूजर नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में आएगा बेल आइकन, उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।